तो सरकार उसको जेल में डाल देते हैं दिशा रवि के रिलीज़ के लिए है। हमारी एक बहन जो 21 वर्षीय की दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है, गोदी मीडिया और ये सरकार से, जब से सरकार आई है हमारे बच्चे बूढ़े नौजवान सबको रोड़ों में लेके आके खड़ा कर दिया है, हक के लिए आगाज़ करते हैं उन लोगों को जेलों में बंद किया है, हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध जारी है ये हमें। ये प्रोटेस्ट हुआ है किस बारे में, प्रोटेस्ट हुआ है क्या है, थोड़ा ब्रीफ बताइए। हाँ, ये जो दिशा रवि को जैसे अरेस्ट किया गया है, पहले तो उनका अरेस्ट ही डेमोक्रेसी पे एक शर्मनाक घटना है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी में ऐसा अरेस्ट, और ऊपर से उसमें भी उन लोगों ने कोई प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं किया है, तो उसी के खिलाफ आज लोग हम लोग खड़े हुए हैं। और ये अकेली पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, ऐसे कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सरकार उसको जेल में डाल देते हैं, तो ये उन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज़ के भी डिमांड है, पर आज का ये स्पेशली दिशा रवि के रिलीज़ के लिए है। सर, ये स्टूडेंट ने किया था या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? हाँ, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, कुछ लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स थे, और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। डिमांड्स क्या है सर? डिमांड्स है कि ऐसे जो विच हंट है कि कोई भी इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको अंदर, तो ये विच हंट जो है इसको बंद करवाना है और दिशा रवि को रिलीज करवाना है। चल रहा है लेकिन बार बार आवाज़ उठाने से अभी ये कुछ भी इसके बारे में मसला नहीं निकल रहा है। हाँ, तो हमें तो डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाते रहना है, ठीक है, क्योंकि जब अन्याय होता रहेगा हमें तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहना होगा, तभी ये गणतंत्र जो है बुलंद हो पाएगी, और ये दिशा रवि को रिलीज करने की भी ये आज का हमारा डिमांड है। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम है सूर्यदीप्त देसरकर। आप कहाँ से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, मैं जमीर तमिलनाडु होसूर से हूँ। मुझे ये प्रोटेस्ट के बारे में सोशल मीडिया के जरिए और एक हमारे दोस्त के जरिए मुझे पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ कहीं भी अहिंसा को लेके प्रोटेस्ट होता है तो मैं वहाँ पे जुड़ जाता हूँ। जो आज का मुद्दा था, आज का जो प्रोटेस्ट था, हमारी एक बहन जो 21 वर्षीय की दिशा रवि को अरेस्ट किया गया है, मैं ये गोदी मीडिया और ये सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, बिना कोई परमिशन के, बिना कोई बेंगलुरु के पुलिस की परमिशन से, आप सवेरे आके एक हमारी बहन को, एक एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं ये सरकार को वो बताना चाहता हूँ, जब से सरकार आई है हमारे बच्चे बूढ़े नौजवान सबको रोड़ों में लेके आके खड़ा कर दिया है। आप जहाँ तक भी देखिए, जो लोग हेट स्पीच देते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, उन लोगों को फ्री से छोड़ा गया है, और जो हक के लिए लड़ते हैं, हक के लिए आगाज़ करते हैं, उन लोगों को जेलों में बंद किया है। जैसे नवदीप हो जाए, शर्जील इमाम हो जाए, और हमारे अभी जो फिलहाल जो अरेस्ट किया गया है दिशा रवि को, और ये आवाज़ सिर्फ बेंगलुरु से आ रही है क्योंकि बेंगलुरु की बच्ची थी तो इसलिए आवाज़ आ रही है। मैं तमिलनाडु से होसूर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट था, वो हमारी बहन थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी, तो इसलिए मैं वहाँ से आया हूँ। मैं हमारे हिंदुस्तान के आवाम से ये बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी अहिंसा हो, जहाँ कहीं देश के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, उसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगा, और ये बहुत अच्छा हो रहा है जो कुछ भी ये सरकार हमारे हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध जा रही है, ये हमें ये कर रही है। जो कि आप सबको पता है, जब किसान सिर्फ पंजाब से जुड़ा था तो ये सरकार बता रही थी सिर्फ पंजाब के लोग आ रहे हैं, बाद में देखा गया हरियाणा से जुड़ गए, बाद में राजस्थान से जुड़ गए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, सब जगह से जुड़ रहे हैं। तो मैं हमारे सारे हिंदुस्तान के आवाम से ये एहतजाज करता हूँ, दिशा रवि हो या कोई और हो, जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होती है, हक के लिए आइए, हक के लिए आवाज़ उठाइए। जब तक हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये कामयाब नहीं होएगा। ये बोलते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आवाज़ दो, हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान।